तो मेरा नाम है विजय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रक्त यज्ञ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पृथ्वी के एक गुप्त स्थान पर भयंकर कर रहा था शैतान यज्ञ। जाग शैतान जाग, 10 बलि चढ़ा चुका हूं मैं तुझे, अंतिम बलि स्वीकार कर। इसी के साथ उसने चढ़ा दी बलि शैतान की। खचाक, रक्त की एक बूंद भी उसने जमीन पर नहीं गिरने दी। ले शैतान, बुझा ले अपनी प्यास, भक। अंतिम बलि मिलते ही शैतान जाग उठा। क्यों जगाया मुझे भयंकरा, बोल क्या चाहिए तुझे? इतनी शैतानी शक्तियां होने के बावजूद भी मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ। शैतान, बता मैं पृथ्वी का राजा कैसे बन सकता हूँ? उसके लिए तुझे रक्त यज्ञ करना होगा भयंकरा। 10,000 बच्चों के रक्त की आहुति देनी पड़ेगी, और तब यज्ञ में से निकलेगा रक्तासुर, जिसकी शक्ति के आगे देवता भी ठहर नहीं पाएंगे। तब तेरा पूरी पृथ्वी का राजा बनने का सपना साकार होगा। ओ, और शैतान पुनः अपने शैतान लोक में वापस लौट गया। अब मैं बनूंगा पृथ्वी का राजा, अब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। प्रकट हो मेरे गुलामों। उसके साथ ही धुएं में से प्रकट हुए 3 शैतान। हिस, आदेश दिया भयंकरा ने, जाओ और मेरे लिए 10,000 बच्चों का प्रबंध करके लाओ। मैं कल से रक्त यज्ञ शुरू कर रहा हूँ। जो आज्ञा स्वामी। शेरू, गट्रू एवं रीछा पहुंचे रामगढ़ की आकाशीय सीमा पर। शेरू, गट्रू और रीछा का रामगढ़ वासियों को ऐलान, हमें 10,000 बच्चों की जरूरत है। या तो शांति से हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। नहीं, ओह। रामगढ़ में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। अब क्या करें? वे शैतान 10,000 बच्चे लेकर ही मानेंगे। मेरा तो एक ही बच्चा है, मैं मर जाऊंगी लेकिन उन शैतानों को अपना बच्चा नहीं दूंगी। जिसके 10 बच्चे भी होंगे वे भी नहीं देंगे। राजगढ़ के राजमहल में आपातकाल बैठक बुलाई गई। उन शैतानों का ऐलान पूरे रामगढ़ में फैल चुका है। अब आप बताएं, बच्चों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तीरों तलवारों से उनसे लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास शैतानी शक्तियां हैं। महाराज, नगर के बाहर चक्राचार्य नाम के एक महात्मा ने डेरा डाल रखा है। अगर उनसे मदद मांगी जाए तो हो सकता है इन शैतानों को खत्म करने का कोई उपाय बता दे वो। सभी ने मंत्री द्रोण के सुझाव का अनुमोदन किया, और उसी शाम को ही महाराज राम सिंह महात्मा वक्राचार्य को मिलने स्वयं निकल पड़े। आओ राजन, अंदर चले आओ। ओह, महात्मन को मेरे आगमन की खबर कैसे लग गई? अंदर पहुंचे महाराज राम सिंह। बैठो राजन, हम जानते हैं कि कौन सी समस्या तुम्हें यहाँ लाई है। आप तो अंतर्यामी हैं महात्मन, प्रजा पर संकट का बादल मंडरा रहा है, कोई उपाय सुझाइए। ये सब दुष्ट तांत्रिक भयंकरा का किया धरा है। शेरू, रीछा एवं गटरू उसी के गुलाम हैं। पृथ्वी का राजा बनने के लिए वो 10,000 बच्चों के खून से रक्त यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा है। ओह, लेकिन कोई रास्ता बताइए महात्मन, जिससे भयंकरा में उसके गुलामों का वध किया जा सके। राजन, भयंकरा और उसके गुलामों की शैतानी शक्तियों का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन उनके बाहुबल से निपटने के लिए एक शक्तिशाली महाबली युवक की जरूरत है। मेरा पुत्र शक्तिराज महाबली योद्धा है। पूरे राज्य में उसके बराबर कोई भी शक्तिशाली युवक नहीं है। तो फिर ठीक है, अपने पुत्र युवराज शक्तिराज को मेरे पास भेज दो। जो आज्ञा महात्मन, और वापस महल की तरफ चल पड़े महाराज राम सिंह। युवराज शक्तिराज नाम के अनुरूप ही शक्तिशाली था। आओ तुम चारों एक साथ हमला करो मुझ पर। टूट पड़े चारों पहलवान शक्तिराज पर। फलस्वरूप, ओ हाय, उफ। अरे मैं इधर हूं, उधर धूल क्या चाट रहे हो?
चारों पहलवान पुनः शक्तिराज पर झपटे, लेकिन टनाक, ओह बहुत ही शक्तिशाली वार था शक्तिराज का, टनाक, और फिर बिजली बन गया शक्तिराज, तड़ाक धड़ ठक आई कड़ाक। कुछ ही देर में चारों जमीन पर पड़े बुरी तरह से हांफ रहे थे। अरे अभी से थक गए तुम लोग, खैर कल आना, अभी मैं गजराज से अपना बाहुबल आजमाऊंगा। और तभी आओ गजराज, देखें तुम में कितनी ताकत है, चिंगाड़। आते ही गजराज ने शक्तिराज के सीने पर मारी एक भरपूर टक्कर, धड़ाक। लेकिन ये क्या, टक्कर से गजराज पीछे जा गिरा, धड़ाम। ये वज्र का सीना है गजराज। और फिर चिंगाड़, जाकर अभी और दूध बादाम खाओ महाराज। तभी युवराज की जय हो, महाराज ने आपको इसी समय याद किया है। पिताश्री को हमारा प्रणाम कहो, हम अभी आ रहे हैं। जो आज्ञा युवराज। और शक्तिराज तुरंत ही महाराज के पास उनके खास कक्ष में जा पहुंचा। आपने हमें बुलाया पिताश्री? हाँ युवराज, रामगढ़ पर गहरा संकट आन पड़ा है, कहकर महाराज शक्तिराज ने सब कुछ बताते चले गए। अब तुम तुरंत ही महात्मा वक्राचार्य की कुटिया की तरफ रवाना हो जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। महात्मा वक्राचार्य की कुटिया में आवत्स शक्तिराज। पिताश्री ने मुझे आपके पास भेजा है महात्मन, दिव्य शक्तियाँ हासिल करने के लिए। हाँ, दुष्टतांत्रिक भयंकर का रक्त यज्ञ भंग करने के लिए मुझे दिव्य शक्तियों का आवाहन करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें आज यहीं रहना पड़ेगा। उधर नगर के एक हिस्से में उड़ता हुआ पहुंचा शेरू। अब रामगढ़ की हर इमारत जल उठेगी। अग्नि की लपटें लपकी इमारत की तरफ। देखते ही देखते इमारत घिर गई आग के लपटों से। बचाओ माँ। अगर घर के बच्चों को हमें सौंप देते तो इतनी तबाही का सामना नहीं करना पड़ता। घूमी तलवार से रुकी, जान से भी हाथ धोया, बच्चे फिर भी देने पड़े। खचाक खचाक आई, बच्चों को दबोचकर पलटा शेरू। रीछा भी अपनी कारगुजारी दिखा रहा था। जा भाले, दिखा क्या अपनी शक्ति। नगर की औरतें आ रही थी पनघट से पानी भरकर। ना जाने क्या करेंगे शैतान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन शैतान तो अपनी करनी कर चुका था। आई माँ। सभी को खत्म कर निकला भाला दूसरी तरफ। माँ। भाला वापस पहुंच गया रीछा के पास। अब दिखा अपना कमाल भाले। और अगले ही पल देखते ही देखते बच्चे बंध गए उन रस्सियों से। माँ आई। गटरू भी अपनी पूरी शैतानी दिखा रहा था। आज स्वामी की सेवा में सबसे अधिक बच्चे मैं पेश करूंगा। गटरू ने किया एक शिक्षा संस्थान पर हमला। वाह, इतने सारे बच्चे एक साथ, मजा आ गया। मौत बनकर पहुंचा उस शिक्षकों के सिर पर। खचाक आई खचाक ई। बच्चों में भगदड़ मच गई। भागो भागो बचाओ। लेकिन तभी एक भी भाग नहीं पाएगा गटरों की मूछों से बचकर। गटरों की मूछों से बंधे सभी बच्चे आई माँ बचाओ। और गटरू बच्चों को लिए उड़ चला। मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो माँ बचाओ। तीनों शैतान पहुंचे अपने स्वामी भयंकरा के पास। ये क्या, सिर्फ इतने ही बच्चे? इस तरह तो मेरा रक्त यज्ञ पूरा होते होते महीनों लग जाएंगे। आप निश्चिंत रहें स्वामी, कल पूरे 10,000 बच्चे आपके पास पहुंच जाएंगे। आज की तबाही से डर कर वे अपने बच्चों को हमें खुद ही सौंप देंगे। और रक्त यज्ञ शुरू कर दिया भयंकरा ने। गड़म गड़म गुड़ गुड़ सा, यज्ञ में बच्चों के खून की आहुति दे जाने लगी। खचाक गड़म गड़प सू सा।
उधर महात्मा वक्राचार्य की कुटिया में युवराज तैयार हो जाओ, मेरी सभी दिव्य शक्तियाँ यहाँ पहुँच गई है और अब वे तुम में प्रवेश करने जा रही हैं। मैं तैयार हूँ महात्मन। वक्राचार्य के कहने पर शक्तिराज ने दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समाने का निमंत्रण दिया। आओ दिव्य शक्तियों, बुराई को खत्म करने के लिए मेरा साथ दो और मुझ में समा जाओ। दिव्य शक्तियाँ शक्तिराज में समाने लगीं और जब शक्तिराज ने आंखें खोली तो भयंकरा, अब तेरा अंत आ गया है, जाओ वत्स शक्तिराज और दुष्टों का संहार करो। और कुटिया से बाहर निकलते ही शक्तिराज, अगर तुम चाहो तो उड़कर भी दुश्मनों से लोहा ले सकते हो, उड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद हे दिव्य शक्ति। और इसी के साथ ही उड़ने लगा शक्तिराज। अब उन रीछा शेरू तथा गट्रो नाम के शैतानों को ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ छिपे हैं वे। तीनों शैतान पुनः आ पहुँचे थे बच्चों को लेने के लिए। हम बच्चे लेने आए हैं रामगढ़ वासियों, उम्मीद है कल की तबाही से तुमने सब कुछ सीख लिया होगा, इसलिए चुपचाप हमें 10,000 बच्चे सौंप दो, नहीं तो अपनी तबाही के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। लेकिन आज उनका मुकाबला करने के लिए शक्तिराज था। दुष्ट शैतानों, आज तुम्हारी लाशें पहुंचेंगी तुम्हारे स्वामी के पास, अट्ठास करने लगा शेरू। चूहा टकराएगा शेर से, किंतु तभी टकराई उसके मुंह से शक्तिराज की लात। शैतान शेरू, पहले तेरी गलतफहमी दूर करूंगा कि चूहा कौन है और शेर कौन है। तभी शेरू के मुंह से निकला आग का दरिया, एक पल में ही राख में बदल जाएगा तू, लेकिन दिव्य शक्तियाँ शक्तिराज के साथ थी। तेरी कोई भी शैतानी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, शेरू की तलवार घूमी, दो टुकड़ों में बांट दूंगा मैं तुझे। शक्तिराज झपटा शेरू की तरफ। अब तेरी मौत निश्चित है दोस्त, लेकिन अप्रत्याशित फुर्ती से घूमा शेरू और तड़ाक, पृथ्वी पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो शेरू से टकरा सके। बेहद फुर्ती से पलटा शक्तिराज और शक्तिराज को मात देने वाला सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। विद्युत किरणें टकराई शेरू से, चीख उठा वो सिक। बेहद क्रोध में आ गया शेरू। शेरू में अभी इतनी ताकत है कि अपने बाहुबल से तुझे मृत्यु लोक पहुंचा सके। बाहुबल तो मैं भी अजमाना चाहता हूं तुझसे, देखूं कितना दमखम है तुझ में। और फिर एक जबरदस्त प्रहार किया शक्तिराज ने। ले ये गया तेरा जबड़ा। धड़ाक, शक्तिराज की जबरदस्त ठोकर। संभाल मेरी लात का वार। ठक, ओ। लेकिन यही बस नहीं किया शक्तिराज ने, ये लड़ाई तेरी मौत पर खत्म होगी। और उछाल दिया उसने शेरू को। शेरू के टुकड़े जा गिरे सीधे भयंकरा के सामने। शेरू, तब भयंकरा ने अपनी शैतानी शक्ति से देखा शक्तिराज को। शक्तिराज, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, रक्त रक्त यज्ञ में अब तेरा खून भी डालूंगा मैं। अगले ही पल टर्रा सामने आ। खटाक, धुएं में से प्रकट हुआ टर्रा। टर्रा हाजिर है स्वामी। टर्रा, तुझ में 10 हाथियों की ताकत है, जा खत्म कर दो शक्तिराज को। और टर्रा उड़ चला शक्तिराज को खत्म करने। बहुत दिनों बाद काम मिला है, वो भी एक चींटी को मसलने का। वाह स्वामी। उधर शेरू के मरते ही रीछा तथा गटरू दोनों एक साथ शक्तिराज की तरफ झपटे। शेरू को मारकर तूने अपनी मौत को दावत दी है, अब तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन शक्तिराज पर विजय पाना आसान काम नहीं था। ले संभाल मेरी लात। कड़ाक, ओह, तू तो मेरा मुक्का भी नहीं सह पाएगा। ठक, उफ। दोनों ने किया अपनी शैतानी शक्तियों का प्रयोग। कड़म, तुम्हारी शैतानी शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। गटरों ने बढ़ाने शुरू कर दी अपनी मूछें। अपनी मूछों में जकड़ कर मार डालूंगा तुझे। ओह, ये कैसी अद्भुत शक्ति है, बुरी तरह से जकड़ा गया शक्तिराज। ओह, ये बाल तो धंसते ही जा रहे हैं मेरे जिस्म में। विद्युत गति से चलने लगे शक्तिराज की तलवार। साए कट, कटाक, ओ मेरी ये शक्ति भी विफल कर दी इसने। तभी शक्तिराज तेज गति से झपटा गटरू की तरफ और खचाक, ओ।
बस और ताकत दिखाने की इजाजत नहीं तुझे। रिचा ने पीछे से शक्तिराज पर किया वार। चल भाले, दिखा अपना कमाल। लेकिन दिव्य शक्तियां शक्तिराज के साथ ही थी। ओह, मेरा भाला खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बिगड़ा शक्तिराज का। तभी फुर्ती से मुड़ा शक्तिराज, पीछे से वार करता है दुष्ट। ले मर। अगले ही पल तलवार रिचा के सीने में जा धसी। उसी के साथ रिचा के प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात, हे दिव्य शक्तियों, मुझे उधर ले चलो जिधर भयंकरा रक्त यज्ञ कर रहा है। शक्तिराज की दिव्य शक्तियाँ उसे उधर ले जाने लगी जिधर भयंकरा रक्त यज्ञ कर रहा था। लेकिन टर्रा तैयार था उसके स्वागत के लिए। धाड़, उफ, वार बेहद जबरदस्त था। ओह, सारी चूल्हे हिल गईं। तुरंत ही स्वयं को संभाला शक्तिराज ने। क्यों, कैसी लगी मेरी लात? एक मेरा भी वार संभाल दोस्त। ढिसुम, ये मुक्का तुझे छट्टी का दूध याद करा देगा। और फिर दोनों में छिड़ गया भयंकर युद्ध। ताड़, धाड़, ढिसुम। शक्तिराज की असीमित शक्ति के आगे टिक नहीं पाया टर्रा। शक्तिराज ने उसे जमीन पर दे पटका। हाय मेरी चटिया, हाय मेरी हड्डिया चटक गई। धड़ाम। और अंत में बस बहुत खेल हो चुका, अब मर। फचाक। भयंकर चौंक उठा। ओह, ये क्या, टर्रा भी मारा गया? जाओ, जागो मसान के पिसाचो, तुम्हारा स्वामी खतरे में है। उसी के साथ ही जाग उठे मसानों के पिसाच। खून चाहिए मुझे। जाओ खत्म कर दो अपने स्वामी के दुश्मन को। ओह, मेरे स्वागत की तैयारी हो रही है। जैसे ही शक्तिराज नीचे उतरा, मसानों के पिशाच लपके उसकी तरफ। आओ दोस्तों, देखता हूँ कितनी ताकत है तुझ में। निकली शक्तिराज की आंखों से अग्नि किरणें। उफ, आग, हाय मरा। अपनी पराजय होते देखकर भयंकरा ने वहां से भागना चाहा, लेकिन भाग कहाँ रहा है दुष्ट। शक्तिराज से बच पाना नामुमकिन है। तभी चली शक्तिराज की तलवार। खचाक, आई। और पृथ्वी से एक शैतान का भार उठ गया। भयंकरा के मरते ही शैतान का बोध भी अपने आप धराशायी हो गया। घर, जिन बच्चों को भयंकरा ने अपने रक्त यज्ञ की आहुति चढ़ा दिया था, उन्हें तो जीवित कर नहीं सकता था। लेकिन जो बच्चे बच गए थे, उन्हें लेकर वो वापस रामगढ़ में लौट आया। मेरे बच्चे, पिताश्री। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।